क्या दर्शकों को नाराज लग रहे हैं अब्र? आपको क्या लगता है अब्र, गुस्सा है? और इधर मैंने रात में बनाया है मैंगो शेक। निशाज रेनबो फ्रेंड्स, कैसे हैं? मेरा लंच प्रिपेयर हो रहा है और कैमरा मैंने ऑन कर लिया है। प्लानिंग करके सोचती हूँ ना कि कैमरा ऑन करूँगी तो हो नहीं पाता है। और अभी बन रहे हैं मेरी किचन में छोले। और इसमें डाल दिया मैंने प्याज और मिर्च। मसाला पीस के रख लिया था मैंने, तो धनिया नहीं ले रही हूँ, तो इसमें धनिया आपको इसमें नहीं दिखेगी। और एक छोटा सा टमाटर है, ये ऐड करूँगी। तो आप लोग बताइए आपके यहाँ मौसम कैसा है? देखो, दो दिन तूफान टकराया है मुंबई महाराष्ट्र में और फिर गुजरात में, और उसका कुछ इम्पैक्ट जो आया है वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। तो बताइएगा आपके यहाँ का मौसम कैसा है, क्योंकि मेरे यहाँ का मौसम कई दिन से डामाडोल चल रहा है। कभी धूप निकल आती है, कभी बारिश हो जाती है, कभी ओले पड़ जाते हैं, है ना? तो अलग अलग चीज़ें हैं। और आज मॉर्निंग से मैं आपको दिखा दूँ, हींग मैंने ऐड कर दिया है आज मॉर्निंग से। मुझे नहीं पता रात में कब से बरस रहा है, बट मॉर्निंग में जब से मैं उठी हूँ ना, तब से मुझे बस बारिश दिख रही है। इतना क्लियर नहीं, ये फर्श पे देखे तो शायद समझ में आए। मॉर्निंग से लगातार इसी स्पीड में बारिश हुए ही जा रही है। देखिए बिल्कुल धुंध सा छाया हुआ है चारों तरफ। तो चलिए ऐसे मौसम में कुछ तो चटपटा सा खाने का मन करता है, तो बहुत ऑयली चीज़ें तो नहीं बना सकती, तो मैंने सोचा छोले बना देती हूँ। चावल बन गए हैं मेरे, बस छोले फ्राई करने हैं और उसके बाद भोजन। और आज मॉर्निंग के लिए सोचा था मैंने कि मैंगो शेक बना लूँगी, बट हुआ क्या, कल दूध जमाया और हल्दी वाला दूध जो मैंने बनने रखा था रात में वो गिर गया। मैं चली गई मशीन में, कपड़े डाले हुए थे शाम के और वो उठाए नहीं थे, मैंने निकाले नहीं थे। फिर मुझे ध्यान आया कि यार मशीन में कपड़े पड़े हुए हैं, वो लेने गई और इधर दूध सारा बह गया, तो इसलिए आज दूध नहीं बचा। और जो ताज़ा आता है सुबह वो तो गर्म करके रख दिया है बॉयल करके, तो उसमें तो बन नहीं सकता था। तो सबने ऐसे ही कुछ कुछ थोड़ा बहुत ले के इधर उधर से खाना पूर्ति कर ली है। तो आप बताइए आपके यहाँ मौसम कैसा है दोस्तों? और इतना ठंडा लग रहा है ना, इतना ठंडा है लिटरली, मैं बताऊँ आपको ऐसे लग रहा है कि रजाई ओढ़ के बैठ जाओ। छोले मैंने बॉईल कर लिए थे, बहुत हल्का सा नमक ऐड करूंगी क्योंकि छोलों को मैंने नमक और हल्दी के साथ बॉईल किया था। दोस्तों मैं सोच रही हूँ आपको एक चुटकुला सुना दूँ, वो है मौसम विभाग, तूफान आने वाला है, आप सभी सुरक्षित रहें। बुंदेली ताऊ बोले, 40 दिन से घर में है, आपका बोरा में घुस जाए। तो बताइएगा अगर आपको मेरा ये चुटकुला पसंद आता है। मैं इस तरह के और भी चुटकुले आपके लिए लाती रहूँगी। और ये रही मेरी लंच की थाली। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ये है मैंगो, मैंने मंगाया था इसको मैंगो शेक बनाने के लिए, बट मौसम इतना ठंडा है ना कि मैंगो शेक बनाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है।
तो पके आम का जैसे ये कौन है? ये जो मुंह टेढ़ा नहीं कहते बेटा, तो पके आम का जैसा पन्ना होता है ना, उसके तो आम का क्या बनाया? आप बताओ क्या खाना है? खाना नहीं, इसका जो शेक शेक पीना है। देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या बनता है इसका। अभी पहले इसको छील तो ले। भाई साहब मैं बताऊं यार, सुबह से बारिश हो ही रही है लगातार, जिस स्पीड में आपको मॉर्निंग में दिखाया था ना, उसी स्पीड में लगातार सुबह से हो रही बारिश। अभी तो बाहर अंधेरा हो गया है, लेकिन मैं फिर भी आपको दिखाती हूँ। चलिए तो हम साथ में चलते हैं बाहर की बारिश देखने। ओके, ओ माय गॉड। चलिए उतारते हैं आपको स्टैंड से और फिर बारिश दिखाते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर मिट्टी अब इकट्ठी होने लगी है अंदर। सुबह मुझे पोछा मारना पड़ेगा। और ऐसे तो बारिश आपको नहीं समझ में आ रही होगी, बट हाँ पानी आ रहा है। यहाँ तक नहीं आ रहा है, उधर ही है। लगातार बूंदे पड़ रही हैं, आप देख सकते हैं। वो देखिए यहाँ पे बूंदे पड़ रही हैं लगातार, झिमझिम झिम बरस रहा है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये बना लिया है चीला का बैटर, और इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा इनो, और इसमें मैंने आधी कटोरी दही भी मिलाई है। अब मैं इसको 10 मिनट रखूंगी सेट होने। वैसे ज़रूरत नहीं है, चाहे तो तुरंत भी बना सकते हैं, लेकिन 10 मिनट बाद बनाऊंगी और आपको दिखाती हूँ मैं। मैंने ना मिल्क शेक ही बना लिया है, और आज मिल्क शेक बनाया है। थोड़ा सा दूध को हल्का गर्म कर आप देख सकते हैं बना के रख दिया है, क्योंकि बच्चों का मन था यही पीने का, और आम इतना खट्टा था ना कि वो वैसे खाया नहीं जाता, तो चीनी मुझे डालना ही था। फिर पतिदेव ने आइडिया दिया कि ऐसा करो, हल्का सा दूध गर्म कर लो, क्योंकि बहुत ठंडा है बाहर, वेदर भी बहुत ठंडा है, तो ठंडी चीज़ें तो नहीं ले सकते। बिल्कुल बस तैयार है, और फटाफट चीले निकाल दूंगी, सब लोग खा लेंगे, और आज का डिनर हमारा यही होने वाला है। हेलो डैड। हेलो, व्हाट्स गोइंग ऑन? This person is chila. Seems you mean. And what's with you? What you're doing? मैं देख रही हूँ बस, अपने observation में बना रही हूँ। So you're an audience? Yeah. आप supervision कर रहे हैं? Yes sir. अच्छा सीख रहा है लड़का, talented है। वो A grade दे देना चाहिए या अभी B ही दें? नहीं, A+ दे देंगे हम तो। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, गुड गुड, थैंक यू। ये अब्रू का है। अब्रू अपने हाथ से खाएंगे ना विद सॉस? अब्रू भूख लगी है? अब्रू थोड़े से नाराज हैं क्योंकि ये टीवी के सामने खाना चाहते हैं, और जो कि आज पॉसिबल। क्या दर्शकों को नाराज लग रहे हैं अब्रू? आपको क्या लगता है अब्रू गुस्सा है? और इधर मैंने रात में बनाया है मैंगो शेक, तो ये हमारा आज डिनर है गाइस। बहुत टेस्टी होना चाहिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं आप भी आ जाइए बस फटाफट से यहाँ पे। और ये लो, क्या दिख रहा है मेरा मुंह? इधर देखो, कैसे देखूं? तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो बताइएगा। और यहाँ पे मैं रात में सारी क्लीनिंग करके ही सोती हूँ, क्योंकि सुबह मेरे पास टाइम होता नहीं कि मैं किचन में लग पाऊँ। तो क्लीनिंग मॉर्निंग में तो क्लीनिंग किया, फिर खाना बनाया, पतिदेव के जाने के बाद नहाना धोना, फिर पूजा पाठ,
बच्चों को देखना बहुत काम हो जाता है, तो मैं ये काम रात में ही निपटा लेती हूँ। चाहे जितना देर हो, मैं बिना बर्तन धुले नहीं सो पाती हूँ, फिर मुझे नींद ही नहीं आएगी। चलिए फिर वीडियो एंजॉय करिए। चलिए दोस्तों, गुड नाइट करती हूँ अभी आप लोगों से, और काम खत्म हो गया। आज फॉर अ चेंज ना बच्चों को आज चीला नाइट उसमें डिनर में बहुत पसंद आया, तो मेरा भी मन नहीं हो रहा था रोटी सब्जी और सब। और ये कपड़े ना आज मैंने तो बाहर निकाले ही नहीं, घर में ही फैन चला दिया था और उसी में सूख रहे हैं। चलिए फिर, आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आपको पता ही है करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है, और पहली बार है चैनल पे तो सब्सक्राइब करना है, तो भूलिएगा मत दोस्तों। अभी हमारे छोटे नवाब भी आ गए हैं। मैं जल्दी सही टाइम पर पहुंचा। बिल्कुल सही टाइम पे आ गया। तो बोल दीजिए सबको क्या क्या करना है अगर वीडियो पसंद आए तो। वीडियो पसंद आए होगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और एक छोटा सा एकदम मेरी तरह और मेरे छोड़ने की तरह जो है एक बेल आइकन टच कीजिएगा तो सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो सारी नोटिफिकेशन मिलेगी, लेकिन नोटिफिकेशन के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। लेकिन नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो फिर गुड नाइट, शब्बा खैर, और गुड नाइट, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तो रात्रि।